आज मैं आपके सामने बनाऊंगी इतनी टेस्टी मिठाई, वो भी घर में पड़े हुए सामान से। सिर्फ एक गिलास दूध और थोड़ा सा नारियल पाउडर। इतने बढ़िया केसर कोकोनट लड्डू बनेंगे कि जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ करे बिना नहीं रहेगा, और आपको खुद को बाद में लगेगा कितनी अच्छी मिठाई अगर घर में ही बनाई जा सकती है तो हलवाई से क्यों मंगानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा, वेलकम टू माई चैनल ईजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ रोज़ नई नई रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती रहूं। सबसे पहले हम एक फ्राइंग पैन लेंगे या कढ़ाई ले लीजिए, उसमें एक चम्मच देसी घी। अब क्योंकि मिठाई बना रहे हैं देसी घी ज़रूरी है, लेकिन आप देख लो मैंने एक ही चम्मच डाला है। इसमें अब हम डाल देंगे 2 कटोरी के लगभग नारियल पाउडर। ये बाजार का नारियल पाउडर है, आप घर में भी नारियल पाउडर तैयार कर सकते हैं। सूखा गोला लाइए, छीलिए और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लीजिए। लेकिन ये थोड़ा झंझट का काम है और आज मैं बना रही हूँ फटाफट, थोड़ी जल्दी भी है। कोई आने वाला है मेहमान तो मैंने कहा चलो फटाफट से आज उनको अपने हाथ का कमाल दिखाई देते हैं, तो उनको बढ़िया से नारियल के लड्डू बना के खिलाते हैं। साथ में अब हम इसके अंदर, जब नारियल अच्छा सा भुन जाएगा, ज़्यादा नहीं भूनना, 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, मेरे पास एक गिलास के लगभग पूरा मलाई वाला दूध पड़ा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब क्योंकि मलाई वाला दूध डाल दिया तो घी वगैरह भी नहीं डालना पड़ेगा। साथ में मैंने थोड़ा सा केसर और पीला रंग आधा कटोरी दूध के अंदर भिगो दिया था, वो भी डाल दिया। देखा ना आपने कितना कम सामान से हमारा कितना जो है अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। और आधी कटोरी मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर चीनी डालेंगे ना, तो चीनी जो है वो पानी रिलीज़ करेगी दूध के साथ मिलके, और ये थोड़ा सा फ्लोई सा हो जाएगा। इस समय गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और लगातार पकाते हुए इसको 3 से 4 मिनट तक एक गाढ़ा बैटर सा बना लेंगे। आपकी मर्जी है अगर आपको इस पर ड्राई फ्रूट डालने हैं तो, मैंने तो नहीं डाले, मैंने तो सिंपल आज आपको केसर कोकोनट लड्डू बनाकर दिखाए हैं, तो इसलिए इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट का काम ही नहीं। केसर का अपनी खुशबू और कलर इतना प्यारा होता है। हाँ, थोड़ा सा पीला रंग डालना पड़ेगा वरना बहुत लाइट केसर का रंग आता है। आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है ताकि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। बस और इसमें कुछ नहीं करना, ये बिना मेहनत के लड्डू भी आप कह सकते हो। इसे लगातार चलाते जाइए, 3 से 4 मिनट के अंदर ये अपने आप काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और ये एक अड्डू का फॉर्म लेने पड़ेगा। इसलिए इसमें अच्छी सी शाइन आ जाए मैंने आधा चम्मच के लगभग देसी घी इसमें डाल दिया है। बस अब हम इसको लगातार पकाते रहेंगे 3-4 मिनट, जो अगर मुझे होंगे पूरे, यानी टोटल ये लड्डू बनाने में मुझे कुल 10 मिनट का टाइम लगा। और 3-4 मिनट के अंदर ही ये देखिए ये गाढ़ा सा बैटर यानी डो का फॉर्म लेने लगेगा। इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, लेकिन चलाना बंद नहीं करेंगे। अभी हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक लगातार चकलाते हुए और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और नीचे से जले ना, क्योंकि फ्राइंग पैन गर्म है ना और नारियल फटाफट से जलने लगता है। तो बस इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और बहुत अच्छे कोकोनट के केसर वाले लड्डू आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं, फिर हलवाई से काहे को मंगाना। तो उम्मीद है आप सबको रेसिपी तो पसंद आ ही रही होगी, और अगर आप सबको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब लगातार चलाते हुए मैंने ये देखिए कोकोनट जो है बिल्कुल ठंडा कर लिया है। ठंडे में ही हाथ लगाना, गरम गरम में हाथ जल जाएंगे, फिर आप कहोगे बताया नहीं। अब हम इसमें 1 चम्मच के लगभग, मैंने थोड़ा सा महंगा चलो डाल ही देते हैं, मेहमान भी क्या मज़े ही कर लेंगे ना, कोई बात नहीं। मैंने 1 चम्मच पिस्ता को बारीक चॉप किया वो इसमें डाल दिया। वैसे मेरा मन नहीं था आज ड्राई फ्रूट डालने का, पर मुझे लगा कोई कहेगा कि इनके घर में क्या कोई ड्राई फ्रूट नहीं था, इतने अच्छे लड्डू बनाए और ड्राई फ्रूट नहीं डाला, तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच पिस्ता डाला, बस लड्डू बनाने तैयार। मतलब अभी मेहमानों को आने में 1.5 घंटे का टाइम है और मैंने 15 मिनट में लड्डू तैयार कर लिए, और उनको मैंने सजा ऐसे दिया ना कि कोई देख के कहेगा ही नहीं कि ये घर में बनाए हैं। ये तो मैं उन्हें बाद में बताऊँगी, जब वो सब रेसिपी की तारीफ करेंगे ना और उनको कहेंगे कि लड्डू बहुत अच्छे हैं, कहाँ से मंगाए हैं, तब मैं उनको बताऊंगी ये तो मैंने खुद बनाए हैं। तो आप भी इसी तरह कीजिए। अब लड्डू का साइज़ आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग, जितना आपको पसंद हो उतना छोटा या बड़ा रख लीजिए, और इसको और सुंदर बनाने के लिए नारियल के चूरे के अंदर हल्का सा कोट कर दीजिए, जो कि पूरी तरह ऑप्शनल है, पर अगर कर देंगे तो अच्छा है। अब अगर ऐसे करेंगे ना तो आपको भी ये कहावत सिद्ध हो जाएगी कि दोनों हाथों में लड्डू, क्योंकि मेहमान लड्डू खा के नेक तो आपको ज़रूर ही देंगे, वो हैरान रह जाएंगे कि इतने अच्छे लड्डू आपने बनाए हैं। तो चलिए, उम्मीद है रेसिपी तो आपको पसंद आई होगी, फिर मैं आपको नई रेसिपी में दोबारा ज़रूर मिलूंगी कल के कल। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अब देखिए कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए।
लड्डुओं को थोड़ा सा और सजाना हो, मतलब थोड़ा और फैशन कराना हो, तो ज़रा ज़रा सा पिस्ता, दो पिस्ते के बिल्कुल बारीक चॉप कीजिए। ज़्यादा खर्चे वाला काम नहीं बता रही मैं आपको। और एक ही केसर का धागा, ओए होए क्या बात है, देखने में भी अच्छे और खाने में भी लाजवाब। तो चलिए जल्दी से आप तैयार हो जाइए, सामान इकट्ठा कीजिए और ये रेसिपी ट्राई कीजिए। और पर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और लड्डू खा के अगर आपके घर में सबको लड्डू अच्छे लगे तो कमेंट वापस आके दोबारा करना और सही तरह रेसिपी को फॉलो कीजिए, ताकि आप भी बिल्कुल इतने ही अच्छे टेस्टी लड्डू बना सकें। त्यौहार पे आप अपने भाई के घर भी ले जा सकते हैं, आने वाले दिन रक्षाबंधन का है, ये लड्डू की थाली अगर आप भाई के घर ले जाए ना, तो भाई तो बस क्या कहने। तो चलिए बाय, फिर मिलूंगी नई रेसिपी में, पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जरूर।